नहीं आएगी, फॉगी मतलब धुंधली सी आएगी, ठीक है, मतलब अच्छी इमेज नहीं आएगी। तो फिल्म को उसके अंदर हम रखते हैं जिससे कि फिल्म को हम फॉगी होने से बचा सकते हैं। उसके बाद है टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव रीजन, हाँ, यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट बना के रखने का काम। यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट का मतलब क्या कि जैसे फिल्म है और स्क्रीन है, दोनों स्क्रीन ऊपर नीचे लगी है, बीच में आप फिल्म डाल दिए, तो जब कैसेट को हम बंद करेंगे तो वो क्या करेगी, एकदम बराबर मतलब एकदम समान कॉन्टैक्ट बना देगी फिल्म और स्क्रीन के बीच में, ठीक। थोड़ा सा भी उसमें मतलब उससे कहीं पे उठा या नीचे बैठा ऐसा नहीं रहेगा, पूरा एकदम यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट रहेगा दोनों के बीच में, ताकि जब इमेज उसमें ट्रांसफर हो, लाइट निकले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से, उस पर एक्सरेस पड़े, तो जो इमेज है वो पूरा टोटली सब तरीके से एकदम शार्प और अच्छा बने, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं फिल्म और स्क्रीन के बीच में। उसके बाद अब आते हैं मटेरियल्स यूज इन कैसेट, मतलब कैसेट कौन कौन से मटेरियल से मिल करके बनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसेट में हमने दो पार्ट देखे, एक आगे का पार्ट और एक पीछे का पार्ट, है ना, फ्रंट पोर्शन और एक बैक पोर्शन। अब फ्रंट पोर्शन जो होता है वो कैसा होता है, तो वो मेटल का बना होता है, ठीक है, मेटल का बना होता है और प्लास्टिक से उसमें लेमिनेशन भी किया जा सकता है, ताकि उसको कोई मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब मेटल कौन से यूज किया जाता है, तो एल्यूमिनियम मेटल यूज किया जाता है, ठीक है। कैसेट को बनाने के लिए उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, और एल्यूमिनियम का क्यों बना होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल होता है जो मतलब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे सबसे पहली चीज ये बहुत हल्का होता है ना, हल्का होता है, पतला भी हम इसको बना सकते हैं जितना बनाना चाहें, ठीक है। इस नेचर को बोलते हैं डक्टाइल नेचर, मेटल का डक्टाइल नेचर क्या होता है कि उसको हम कितना पतला से पतला बना सकते हैं, तो और स्ट्रॉन्ग भी होता है, इजी टूटता नहीं है एल्यूमिनियम, ठीक है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है ना बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में, और लाइट इन वेट भी होता है ना, हल्का भी होता है और साथ ही साथ लो बीम एब्जॉर्ब करता है। लो बीम एब्जॉर्ब करने का मतलब जैसे बाकी के अगर मेटल्स आयरन वगैरह हो गए तो उस पर अगर रेडिएशन पड़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को रोकेगा, क्योंकि वो ज्यादा ठोस और मतलब बहुत ज्यादा हाई एटॉमिक नंबर का होता है ना, अदर मटेरियल्स जो होते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जस्ट 13 होता है ना एल्यूमिनियम का, इसलिए ये हल्का भी है और इजीली हम इससे कैसेट का फॉर्मेट मतलब निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए एल्यूमिनियम मेटल का यूज किया जाता है। उसके बाद अब आते हैं कैसेट का बैक पोर्शन। बैक पोर्शन जो होता है वो भी मेटल का भी बना हो सकता है या तो प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, ठीक है। और बैक पोर्शन जो होता है उसमें क्या लगा रहता है, लैग के अंदर से एक फॉइल लगी रहती है, ठीक है। बैक पोर्शन में जो पीछे का हिस्सा हुआ कैसेट का, उसमें जो स्क्रीन लगी होगी पीछे की तरफ, स्क्रीन और बैक पोर्शन के बीच में लैग की फॉइल लगी होगी, वो क्या करेगी, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, स्कैटर्ड रेडिएशन कौन सा होता है, जो इधर उधर भागता है दूसरे डायरेक्शन में टकरा के, है ना, तो स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए पीछे के हिस्से में क्या लगी होगी, लेड की बनी हुई पतली सी फॉइल लगी होती है, ठीक है। उसके बाद कैसेट फिटिंग, कैसेट फिटिंग मतलब दोनों फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन दोनों को जोड़ने के लिए एक साइड में क्या लगे होते हैं, हिंग्स लगे होते हैं, ठीक है। हिंग्स मतलब क्या होता है, कब्जे होते हैं, जैसे दरवाजा के साइड में लगा होता है ना कब्जे, जिससे वो ओपन और क्लोज होता है, तो उसी तरह इसमें भी क्या लगे रहते हैं, हिंग्स लगे रहते हैं, जो मेटल स्टेनलेस स्टील या मेटल्स के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लगा रहता है, कैसेट में क्लिप्स लगी रहती है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसके थ्रू कैसेट को खोला जाता है, ठीक है। और क्या होता है, प्रेशर पैड होता है, ये भी पीछे के हिस्से में ही लगा रहता है, ये क्या करता है, वही यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट बनाने का काम करता है फिल्म और स्क्रीन के बीच में। ये तो हो गया कैसेट का डेफिनेशन, कैसेट का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आते हैं कितने तरीके की कैसेट्स पाई जाती हैं, ओके। अब अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग, है ना, अलग अलग देखा जाए तो सारी कैसेट्स का कंस्ट्रक्शन भी एक ही होगा, काम भी एक ही होगा, लेकिन उनके साइज के आधार पे, शेप के आधार पे और उनका यूज जो है उसके आधार पे उनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी कैसेट्स होती है, सिंगल स्क्रीन कैसेट, कर्व्ड कैसेट, फ्लैट एंड स्ट्रेट कैसेट, ग्रिड कैसेट, मल्टी सेक्शन और फ्लेक्सिबल कैसेट, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं सिंगल स्क्रीन कैसेट। हाँ, दो अदर टाइप की भी कैसेट्स होती हैं,
वैक्यूम कैसेट्स और फॉर्मेटर कैसेट। इनको अदर टाइम में क्यों रखा गया है, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो जो नॉर्मल अभी हम लोगों ने कैसेट्स पढ़ी उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट होती है उनसे, इसलिए इन दोनों को अदर टाइप में रखा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं सिंगल स्क्रीन कैसेट। सिंगल स्क्रीन कैसेट में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिंगल स्क्रीन लगी होगी, इसलिए इसको सिंगल स्क्रीन कैसेट बोला जा रहा है। ठीक है, अब इस कैसेट का डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में भी किया था जब फिल्म का वो डिस्कशन कर रहे थे, तो कहाँ पे मैमोग्राफिक फिल्म के बारे में जब मैंने बताया था कि मैमोग्राफिक फिल्म जो रहती है वो किसके साथ यूज की जाती है, कैसेट के साथ यूज की जाती है, लेकिन कौन सी कैसेट के साथ, सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट के साथ मैमोग्राफिक फिल्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कैसेट होगी उसमें सिर्फ एक ही साइड स्क्रीन लगी होगी, वो भी कौन सा साइड, फ्रंट साइड, ये इसलिए कैसेट का फ्रंट पोर्शन है, तो इस साइड ये क्या लगी है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और ये कौन सा है, कैसेट का बैक पोर्शन है। ठीक है, और इस कैसेट का यूज सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, मैमोग्राफी में होगा। ठीक है, नॉर्मली इस कैसेट को सिर्फ और सिर्फ मैमोग्राफी के लिए बनाया जाता है। अब जब इसमें हम फिल्म रखेंगे, कौन सी फिल्म रखेंगे, सिंगल इमल्शन फिल्म रखेंगे, तो उसका जो इमल्शन वाला साइड होगा वो कौन सा साइड होगा, स्क्रीन के साइड होगा, और जो पीछे वाला हिस्सा जो रहेगा वो बैक पोर्शन के साइड रहेगा। ठीक है ना, तभी एक अच्छी इमेज फॉर्म हो पाएगी। ये हो गई सिंगल स्क्रीन कैसेट। एक और नेक्स्ट है मैनुअल या फिर डबल स्क्रीन कैसेट भी कह सकते हैं इसको। ये कौन सी कैसेट है जो हम लोग मैनुअल रेडियोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, डबल स्क्रीन लगी रहती है, फ्रंट में भी लगी रहेगी और बैक साइड में भी लगी रहेगी। ठीक है, और हाँ, इसके बीच में कौन से फिल्म को एक्सपोज करेंगे हम लोग, डबल इमल्शन फिल्म को एक्सपोज करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, मैनुअल रेडियोग्राफी में, क्योंकि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ डबल इमल्शन फिल्म ही एक्सपोज की जाएगी, कभी सिंगल इमल्शन फिल्म इसके साथ एक्सपोज नहीं करेगी। ठीक, अब आते हैं कर्व्ड कैसेट। कर्व्ड कैसेट में नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी कैसेट जो साइज शेप में कैसी हो, कर्व मतलब इस तरीके का शेप हो, उसको क्या बोलेंगे, कर्व कैसेट बोलेंगे। ठीक है, अब इसका भी क्या रहता है, यूज जो रहता है वो स्पेशल जगहों पे ही होता है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे सारे जगह के लिए हम इसको यूज नहीं करते, सिर्फ स्पेशल जगहों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कौन सी जगह, आईसी नॉच। आईसी नॉच क्या होता है, इंटर कॉन्डाइलर नॉच, शायद आप लोगों ने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। जो नी जॉइंट होता है आपका, है ना, नी जॉइंट का जो ये वाली जो थाई की बोन होती है, फीमर, फीमर के नीचे के जो दो हिस्से होते हैं उसको बोला जाता है कॉन्डाइल्स, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है इंटर कॉन्डाइलर नॉच। तो मतलब नी जॉइंट का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको देखने के लिए, जो उसमें स्पेस कितना है या अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये वाली कैसेट का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो नी जॉइंट आप कितना भी सीधा कर लो वो थोड़ा सा कर्व ही हमेशा रहेगा, है ना, ये तो नॉर्मली देखा है। अब उसमें अगर हम फ्लैट कैसेट लगाते हैं तो कितना भी हम उसको फ्लैट करेंगे तो हमारा सर्फेस वो ऐसा ही रहेगा, तो उतनी अच्छी इमेज नहीं आएगी, क्योंकि सर्फेस का कॉन्टेक्ट कैसेट से नहीं रहेगा अगर हम लोग नॉर्मल वाली कैसेट लगाते हैं। तो उसी की जगह अगर हम कर्व कैसेट का यूज करते हैं तो इजिली वो सर्फेस और कैसेट दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन अच्छा होगा, उनको जो स्पेसिंग गैपिंग होगी बोन्स में वो अच्छी दिखाई देगी। तो इंटर कॉन्डाइलर नॉच के एक्सरे करते समय कर्व कैसेट का यूज करते हैं। और दूसरा काम करते हैं पैनोरामिक व्यू ऑफ मैक्सिला विद ओपीजी। और मैक्सिला कहाँ होता है, ये नीचे वाला है ना, मैक्सिला और मैंडिबल। तो जब हम लोग मैक्सिला और मैंडिबल का एक्सरे करते हैं टोटल पूरे ओरल कैविटी को देखने के लिए, या फिर ओपीजी मशीन जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, उसमें क्या करते हैं, हम ये वाली कैसेट का यूज कर सकते हैं कर्व कैसेट का, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा कैसा है, टोटली कर्व है। तो जो कैसेट अगर हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर एक्सरे करेंगे तो जो पार्ट होगा वो क्लोज कॉन्टेक्ट में हो जाएगा, तो अच्छी इमेज आएगी। ठीक है, तो ये हुई कर्व कैसेट, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे इसका लॉकिंग सिस्टम रहता है और इधर से ये इस तरीके से खुलती है, इसके बीच में फिल्म डालते हैं और फिर एक्सरे करते हैं। अब आते हैं फ्लैट और स्ट्रेट कैसेट। फ्लैट और स्ट्रेट कैसेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो जो मैंने बताई डबल इमल्शन डबल स्क्रीन वाली कैसेट और सिंगल स्क्रीन वाली कैसेट वही इसमें आ सकती है।
ठीक है, जो सिंपल नॉर्मल कैसेट हमने देखी है वही कहलाती है क्या, फ्लैट और स्ट्रेट कैसेट, क्योंकि वो एकदम फ्लैट होती है और एकदम स्ट्रेट भी होती है, तो उन्हीं को कहा जाता है। अब वो साइज भी मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है, 5, 7, 6, 8, 6, 15 और सबसे बड़ा साइज 14, 17, ठीक है। फ्लैट कैसेट जो होंगी वो अलग अलग साइज की अवेलेबल होती है और फ्लैट कैसेट के थ्रू हम पूरे बॉडी का एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है, चाहे चेस्ट हो, चाहे एब्डोमेन हो, लेग, थाई, स्पाइंस, किसी का भी हम लोग पूरे बॉडी का इससे रेडियोग्राफी किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल कैसेट्स कहलाती हैं। ये फ्लैट कैसेट जो स्टार्टिंग में दिखाई थी वही होती है। अब आते हैं ग्रिट कैसेट, ये थोड़ा सा स्पेशल कैसेट है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। अब ग्रिट कैसेट जो रहती है ये भी अलग अलग साइज की अवेलेबल होगी, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये होती क्या है, सेम जो फ्लैट कैसेट है ना सेम उसी के जैसे होगी, बस इसमें को हम लोग ग्रिट कैसेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कैसेट को क्या किया जाता है, एक फ्लैट कैसेट को इसके अंदर पैक कर दिया जाता है, एक ग्रिट बॉक्स के अंदर पैक कर दिया जाता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, है वही कैसेट, बस हमने क्या किया इसको ग्रिट बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। और ग्रिट बॉक्स क्या होता है, तो ग्रिट क्या होती है आप लोगों ने पढ़ी होगी फिजिक्स में, उसके अंदर लेड की स्ट्रिप्स लगी रहती है ना, लेड की स्ट्रिप्स लगी रहती है, क्या करती है जो रेडिएशन स्कैटर्ड होता है, ठीक है, या फिर जो सेकेंडरी रेडिएशन होता है जो अलग अलग डायरेक्शन में भागता है, उसको ये ग्रिट की जो लेड स्ट्रिप्स होती है वो रोक देती है, तो सिर्फ जो प्राइमरी रेडिएशन होता है जो सीधा चलता है वही सिर्फ कैसेट तक या बॉडी तक पहुंच पाता है, और ग्रिट क्या करता है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको कट कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो अब ग्रिट कैसेट का यूज हम कहाँ करेंगे, वहां करेंगे जहां ज्यादा स्कैटर्ड रेडिएशन का खतरा होगा, है ना, और ज्यादा स्कैटर्ड रेडिएशन का खतरा कहाँ पे होता है, तो मोबाइल यूनिट्स में, ठीक है, मोबाइल यूनिट्स में जो मोबाइल एक्सरे मशीन जो होती है उससे ज्यादा रेडिएशन निकलता है, जो हम लोग की रेडियोग्राफी होती है, तो मोबाइल यूनिट रेडियोग्राफर एक्सरे कर दिया जाएगा तो वो कौन सी कैसेट देखी जाएगा, ग्रिट कैसेट, ठीक है, ग्रिट कैसेट कैसी होती है देखेंगे, ये फ्लैट कैसेट है और ये ग्रिट बॉक्स है, ठीक है, इसी के अंदर वो लेड स्ट्रिप्स होंगी, जैसे चैलेंज होंगे बॉक्स के अंदर कैसेट को पैक कर दिया जाता है फ्लैट कैसेट को, और फिर ये उसका ग्रिट बॉक्स और ये कैसेट है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको ले जाकर के इससे रेडियोग्राफी की जाती है, इसको ग्रिट कैसेट कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी सेक्शन कैसेट। अब मल्टी सेक्शन कैसेट का यूज कहाँ किया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी करने में, ठीक है, जैसे कि एंजियोग्राफी हो गया, ठीक है, एंजियोग्राफी या फिर उसके अलावा कोई भी अगर सॉफ्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी कर रहे हैं और हमको उस इमेज की उस बॉडी पार्ट की कई सारी इमेजेस चाहिए हैं, ठीक है, मतलब एक सिंगल इमेज नहीं चाहिए हमको, एक एक सेकेंड की देरी पे हमको उसी सेम ऑब्जेक्ट की कई इमेजेस चाहिए, मतलब 3 से 4 इमेजेस हमको खींचनी है। अब अगर हम एक कैसेट और एक फिल्म यूज करते हैं तो उससे एक ही इमेज आएगी, जाहिर सी बात है ना, उसी की जगह अगर हम मल्टी सेक्शन वाली कैसेट यूज करें तो उससे क्या होगा कि हमको 1, 2, 3, 4 सेकेंड के दूरी पे 3 से 4 से 7 इमेजेस हमको मिल जाएंगी। अब इमेज कैसे मिलेगी, उसके लिए फिल्म भी तो होनी चाहिए, है ना, उसके लिए स्क्रीन भी होनी चाहिए, तो इस कैसेट के अंदर क्या होता है कि स्क्रीन जो लगी रहती है वो एक स्क्रीन नहीं लगी रहती है, 3 से 7, 4 से 5 से 7 स्क्रीन लगी होती है, ठीक है, एक एक सेंटीमीटर के दूरी पे, ठीक है, एक एक दो दो सेंटीमीटर के दूरी पे 3 से 7 स्क्रीन लगी रहती है, ठीक है, कैसेट एक ही रहेगी उसके अंदर कई स्क्रीन लगी रहेंगी, स्क्रीन के बीच में जो गैप होगा वहां पे हम क्या करेंगे, जितनी स्क्रीन रहेंगी उतनी हम लोग फिल्म बीच में डाल देंगे, ठीक है, डबल इमर्शन फिल्म उसके बीच में डाल देंगे, ठीक, या फिर सिंगल इमर्शन, हाँ सिंगल इमर्शन फिल्म, ठीक है, उसके बीच में डाल देंगे, और फिर उस कैसेट को रख के जब हम एक्सपोज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो स्क्रीन की स्पीड रहेगी वो अलग अलग होगी, जो फ्रंट पोर्शन में जो सबसे सामने जो स्क्रीन लगी रहेगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि उस स्क्रीन को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है एक्सरे की, क्योंकि वो सबसे पहले लगी है ना, फिर उसके पीछे जो स्क्रीन लगी होगी उसकी स्पीड थोड़ा ज्यादा होगी,
फिर उसके पीछे वाले की स्पीड थोड़ा ज्यादा, और जो सबसे पीछे लगी होगी स्क्रीन उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो एक्सरे पड़ रहा है और लाइट जो मतलब एक्सरे जो आ रहा है वो उसके बहुत दूर कॉन्टेक्ट में है। तो अगर उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो जो इमेज होगा वो प्रॉपर एक तरीके का नहीं बन पाएगा। इसलिए इसमें मल्टी सेक्शन कैसेट में 3 से 7 फिल्म अलग अलग स्पीड्स की लगी होती हैं। जो पहले वाली फिल्म स्क्रीन होती है वो स्लो स्पीड की होती है, जो पीछे वाली स्क्रीन होती है वो हाई स्पीड की होती है, और इसके थ्रू हम 3 से 4 फिल्म को एक साथ एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है ये बॉक्स टाइप का, और इसमें ये अलग अलग स्क्रीन्स लगी होती हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लैट कैसेट, फ्लेक्सिबल कैसेट। फ्लेक्सिबल कैसेट का नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो रहेगी वो एकदम रिजिड नहीं होगी। ये कैसी होगी? फ्लेक्सिबल होगी, मतलब लचीली, जिसको हम मोड़ भी सकते हैं, है ना। तो इसकी जो स्क्रीन होगी और जो कैसेट इसकी होगी और इसके अंदर जो स्क्रीन लगी होगी, उन दोनों को हम फोल्ड कर सकते हैं, है ना। मतलब सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, जैसा भी पार्ट हमको एक्सरे करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, है ना। कर्व कैसेट की जगह भी इसका बेस्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर कर्व कैसेट अवेलेबल नहीं है तो जहाँ कर्व सरफेस है उसकी रेडियोग्राफी करने के लिए भी हम इसका सरफेस इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कैसेट है, तो ये जो रहती है वो मतलब फ्लेक्सिबल रहती है, तो हम इसको मतलब इजिली किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। उसके बाद दो अदर टाइप की कैसेट्स बताई थी, वैक्यूम कैसेट और फॉर्मेटर कैसेट। ठीक है, वैक्यूम कैसेट इसका ज्यादातर अब यूज नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये एक मतलब अलग जो कैसेट्स हमने देखी थी उससे थोड़ा ये डिफरेंट होती है। इसमें क्या रहता है, एक पाउच टाइप का रहता है। ठीक है, एक मतलब बैग या पाउच टाइप का रहता है, उसी को कैसेट बोलते हैं। उसके अंदर क्या रहता है, स्क्रीन लगी रहती है। ठीक है, तो वो पाउच हम खोलते हैं, उसके अंदर फिल्म को लोड करते हैं, और उसके बाद उसमें एक बॉल्ब लगा रहता है। बॉल्ब मतलब जहां से हम हवा भरते हैं इसमें। ठीक है, तो बॉल्ब लगा रहता है, तो पंप के थ्रू हम इस कैसेट के अंदर क्या करते हैं, हवा भरते हैं। जब हम हवा भरेंगे तो इससे क्या होता है कि ये जो पाउच रहता है पूरा फुल हो जाता है, पैक हो जाता है, और जो स्क्रीन और फिल्म रहती है वो एक दूसरे के अच्छे से कॉन्टेक्ट में बन जाती है, एक दूसरे में अच्छा कॉन्टेक्ट बन जाता है। तो फिर उसका बॉल्ब जो रहता है उसको पैक करके फिर इस कैसेट से रेडियोग्राफी की जाती है। इसका यूज भी सॉफ्ट टिश्यूज रेडियोग्राफी में ही किया जाता है, जैसे कि मैमोग्राफी में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका डायग्राम कुछ मतलब नेट पे भी कुछ अच्छा मिला नहीं, इसी टाइप की कुछ दिखती है। ये पाउच रहता है, एक साइड में बॉल्ब लगा रहता है, और ये बॉल्ब के थ्रू इसमें हवा फिल की जाती है अंदर। ठीक है, इसका यूज अब ज्यादा होता नहीं है। नेक्स्ट आती है फॉर्मेटर कैसेट। फॉर्मेटर कैसेट, ये सीआर कैसेट्स को ही फॉर्मेटर कैसेट बोला जाता है। अब सीआर कैसेट ये जो है वो जितने भी हमने कैसेट्स पढ़ी है ना, नॉर्मल कैसेट जिसके अंदर हम फिल्म लोड कर रहे थे, उससे एकदम डिफरेंट कैसेट होती है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में। ठीक है, जिसमें हम फिल्म लोड करेंगे उसकी प्रोसेसिंग हम केमिकल से करेंगे, है ना। जिस कैसेट में हम फिल्म लोड कर रहे थे उसकी प्रोसेसिंग हम केमिकल से कर रहे थे, हाँ। लेकिन ये कैसेट कैसी है, एकदम डिफरेंट है। इसके अंदर हमें फिल्म लोड नहीं करनी पड़ती, ना तो ये खुलती है उस वो वाली कैसेट्स की तरह, ये टोटली पैक्ड होती है। खुलता क्या है, तो बस ऊपर में एक मतलब ये फ्लिप जो ये बटन ये क्लिप्स बने हुए हैं इसको प्रेस करने से ऊपर से ये बस थोड़ा सा खुलता है, और इसकी स्क्रीन बस बाहर आती है। वो भी स्क्रीन हम जो बाहर निकालते हैं उसको जब हमको जब हमको उसको क्लीन करना होता है ना, अगर इमेज में कोई आर्टिफैक्ट आ रहा है, कोई गंदगी आ रही है, तो हो सकता है डस्ट के कारण आ रही हो, तो जब हमको इसकी स्क्रीन साफ करनी होती है तभी हम ये क्लिप्स के थ्रू ऊपर से इसको खोलते हैं, इसकी स्क्रीन को निकालते हैं, और फिर उसको हम नॉर्मल कॉटन वगैरह से साफ करते हैं, और फिर अंदर स्क्रीन डाल के इसको पैक कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी जो स्क्रीन होती है, इसकी स्क्रीन डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, स्पेशल टाइप की स्क्रीन होती है, और उसकी खासियत क्या होती है कि ये अपने ऊपर इमेज का फॉर्मेशन कर लेती है, इसीलिए हमें इसके अंदर फिल्म डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक,
अब इसकी स्क्रीन जो होती है वो किससे बनी होती है, मटेरियल होता है यूरोपियम डो बेरियम फ्लोरो क्रोमाइट, ठीक है। एक मटेरियल होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिससे अच्छी हाई इंटेंसिटी की लाइट निकलती है, ठीक है। तो वो स्क्रीन इसके अंदर लगाई जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर रेडियोग्राफी में यूज करते हैं। सिंपल नॉर्मल कैसेट लेते हैं, ठीक है, कैसेट को ले जा करके एक्सरे करते हैं, फिर एक्सरे करके जब हम इसको कंप्यूटर में ड्राई प्रोसीजर होता है उसमें जब हम डालते हैं तो वो जो स्क्रीन में जो इमेज बनी थी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, मॉनिटर में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, इसमें हमको वो डार्क रूम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। ये कैसे कैसे हमने एक्सरे किया, फिर ये ड्राई प्रोसीजर है, ड्राई प्रोसीजर में वो कैसे को इंसर्ट करते हैं, किसी साइड से इंसर्ट करते हैं, वो ऊपर वाला पार्ट होता है हैं इधर वहां पे बार कोड लिखा रहता है, वो वाला पार्ट ड्राई प्रोसीजर के अंदर डाल के जो इमेज है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रिंटर रखा है ना, प्रिंटर वो भी प्रिंटर नॉर्मल प्रिंटर नहीं होता है, प्रिंटर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सिंगल इमर्शन फिल्म, ठीक है, उस प्रिंटर के अंदर सिंगल इमर्शन फिल्म लोड रहती है और वो प्रिंटर क्या बोलते हैं उसके अंदर क्या रहता है, ड्राई लेजर कैमरा रहता है, उसके थ्रू जो यहाँ पे इमेज बनी रहती है कंप्यूटर में वो क्या करता है उस इमेज को फिल्म के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। तो सिंगल इमर्शन फिल्म कहाँ लोड थी, प्रिंटर के अंदर लोड थी, और फिर हमको वो प्रिंटर क्या करता है उस इमेज की कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के देता है, जो हम नॉर्मली कंप्यूटर रेडियोग्राफी की फिल्म तो देखी होगी शायद, है ना। तो वो ये कैसेट हो गई फॉर्मेटर कैसेट। अब इसको फॉर्मेट क्यों बोल रहे हैं, फॉर्मेट करना मतलब किसी चीज को मिटा देना और फिर से उसमें कुछ डाल देना, ठीक है ना, फॉर्मेट मतलब यही होता है। तो इस कैसेट को हम क्या कर पा रहे हैं, फॉर्मेट कर पा रहे हैं ना। एक बार हमने ऐसे किया, मशीन में डाला, तो क्या हुआ, इमेज इसकी कंप्यूटर पे ट्रांसफर हो गई और जो इमेज पहले बनी थी वो इरेज हो गई, तो मतलब फॉर्मेट हो गई कैसे। अब हम इस कैसेट में नया एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ना तो हमको इसमें फिल्म चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ना तो इसको डार्क रूम प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, बस हम कैसेट को बार बार ले जा करके फॉर्मेट करके फिर से नया एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई फॉर्मेट कैसेट। उसके बाद जस्ट केयर ऑफ एक्सरे कैसेट्स, ठीक है, क्योंकि एक्सरे कैसेट्स क्या है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है ना, तो उसके हमको केयर भी अच्छे से करनी जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल भी जब हम इसको यूज मतलब जब हम इसके साथ काम करेंगे तो ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार भी नीचे गिरी तो उसके लॉकिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर लॉकिंग सिस्टम खराब हो गया या साइड्स के जो लिंक्स लगे हैं जिसको जोड़ने के लिए वो खराब हो गए तो क्या होगा, जैसे हम कैसे अंदर डालेंगे फिल्म अंदर डालेंगे तो कहीं ना कहीं से उसमें लाइट अंदर घुसेगी, है ना, उसका प्रॉपर कॉन्टैक्ट जो होता है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमको कैसेट को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। और जब भी हम कैसेट का यूज नहीं होता है या फिर अगर हम एक्सरे करके भी ले जाके कैसेट को रख रहे हैं डार्क रूम में, तो कौन से पोजीशन पे रखना चाहिए, सबसे पहले तो बैक पोर्शन ऊपर, वो भी तब जब हमको उससे फिल्म निकालनी है तब, और अगर हमको उससे फिल्म नहीं निकालनी